गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में फंगाई को कंप्लीट किया था और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो फंगी चैप्टर है, टॉपिक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायरस के बारे में। तो आज हम लोग वायरस रिलेटेड बातों को सीखेंगे और वायरस कंप्लीट करने के बाद में जो आगे के टॉपिक होंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वायरस को। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है आज का, वायरस। बहुत हम लोग वायरस को जान के बारे में सुनते हैं और अभी तो पूरा वर्ल्ड वायरस को सुन रहा है। क्यों? कोरोना वायरस, COVID-19। तो इसी से रिलेटेड हम लोग आज यहां पर बात करेंगे कि क्यों इतना खतरनाक होता है वायरस। जितना खतरनाक एक शेर नहीं है, जितना खतरनाक एक एलिफेंट नहीं है, जो ऐसा चीज जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता है वो कितना खतरनाक है, जिसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते और उसका जीता जाता उदाहरण आप और हम ये पूरा विश्व देख रहा है। तो ऐसा क्यों है, क्या है? तो इतना बात समझो बायोलॉजिकल टर्म में कि जो जितना छोटा है उतना खतरनाक है और जो जितना बड़ा है वो उतना उसका सर्वाइवल मुश्किल है, वो उतना आसान से कैप्चर किया जा सकता है। आज देखिए, हम चिड़ियाघर में यानी जूलॉजिकल पार्क है उसमें बड़े बड़े एनिमल को केज में पकड़ के रखे हैं, लेकिन क्या कभी किसी जूलॉजिकल पार्क में आपको बैक्टीरिया वायरस दिखाया जाता है, फंगाई दिखाया जाता है? नहीं। वायरस का कोई पार्क है? नहीं है। इतना छोटा है उसे देख ही नहीं सकते। तो जो जितना छोटा है बायोलॉजी में उतना खतरनाक है और जो जितना बड़ा है उतना आसान है हमारे साथ में रहने के लिए या हमारे सर्वाइवल के लिए, वो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करने वाला है। ठीक है, जितना बड़ा था वो आसानी से एक्सटिंक्ट करेगा, जैसे डायनासोर आसानी से एक्सटिंक्शन हो गया उसका, लेकिन बैक्टीरिया वायरस पहले भी था और आज भी हमारे साथ बना हुआ है। तो जितना बायोलॉजी में यही समझिए कि जो जितना छोटा है वो उतना टिपिकल है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। देखिए, वायरस के बारे में सबसे पहले जो स्टडी है कि वायरस एक इन्फेक्टिंग एजेंट है जो प्लांट में यानी टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन किया था, तो इसके बारे में सबसे पहले एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेमित्री इवानोस्की। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानो वायरस इज ए इन्फेक्टिंग एजेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डेमित्री इवानोस्की। वायरस जो टर्म है, वायरस एक लैटिन टर्म है जिसका नाम, जिसका मतलब होता है टॉक्सिन और पॉइजन। वायरस का मतलब ही क्या है, या तो कोई टॉक्सिन कंपोनेंट या फिर पॉइजन। जो टर्म वायरस हम लोग आज पढ़ रहे हैं, टर्म वायरस वाज गिवन बाय पास्टर। लुईस पास्टर जो है सब बहुत फेमस है पास्टर साहब। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है कि ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं उसके बारे में स्टडी, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी में पास्टर का रोल बहुत ज्यादा है, हर जगह आते रहते हैं पास्टर साहब। तो यहां पर जो टर्म वायरस है वो पास्टर ने दिया था। देखिए, वायरस की अगर हम लोग बात करें कि वायरस जो है वो क्या है, ठीक है ना, तो बस इतना समझो कि वायरस एक ऐसा पैथोजेन है जो एंडोजिनसली यानी कि हमारे सेल के अंदर रहने वाला, एंडोजिनस का मतलब जो हमारे सेल के अंदर रहने वाला है। तो वायरस इज ए एंडोजिनस पैथोजेनिक नॉन लिविंग पार्ट और लिविंग पार्ट, इसका डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे कि यह नॉन लिविंग पार्ट है
या फिर यह लिविंग पार्ट है। लेकिन पहले इतना समझ लीजिए कि यह एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट के रूप में काम करता है। तो इसको कह सकते हैं वायरस इज ए ऑब्लिगेट इंट्रा मतलब एंडोजीनस, वही तो तब बोल रहे हैं, तो इंट्रा मतलब इंटर अंदर से। वायरस इज ए ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैथोजेनिक पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब जान रहे हो कि जो दूसरे से अपना रिक्वायरमेंट पूरा करे, तो पैरासाइट हो गया। और स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। वायरस की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। देखिए लगभग अबाउट 3600 टाइप ऑफ वायरस, लगभग 3600 से भी ज्यादा, मतलब 3600 के अप्रॉक्स में वायरस जो है हम लोगों के बारे में हम उन्हें जानते हैं इतने के बारे में, जिसमें से इन विच अबाउट 100 इन्फेक्ट टू कॉज डिजीज इन, जो इसमें से लगभग 100 जो है वो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, किसमें, ह्यूमन में, प्लांट में, बैक्टीरिया में। वायरस सबको इन्फेक्ट कर सकता है, जैसे अभी तो यहां पर हम लोग तीन चीज देख लिए, कौन कौन, ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है, प्लांट को, बैक्टीरिया को, इवन वायरस जो है वह फंगाई को भी, तो उसको कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफाज, फंगाई के इन्फेक्ट करने वाले वायरस को कहते हैं हम लोग फंगल फाज, ठीक है। फाइटोफाज मतलब एल्गी को इन्फेक्ट करने वाले, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, बैक्टीरियल वायरस, फंगल वायरस और एल्गल वायरस। साथ ही साथ कुछ माइकोप्लाज्मा को भी इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं, तो उसको माइकोप्लाज्मल वायरस। तो इतने सारे लोगों को यह इन्फेक्ट कर सकता है, तो दैट मीन्स वायरस इन्फेक्ट टू किसको किसको, सबसे पहले एनिमल, तो उसको कहते हैं हम लोग एनिमल वायरस, दूसरा प्लांट, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लांट वायरस, उसके बाद बैक्टीरिया, तो उसे कहते हैं हम लोग बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियो वायरस, उसके बाद फंगाई, फंगल वायरस या फंगफाज, एंड माइकोप्लाज्मा, तो माइको प्लाज्मल वायरस। फाइको वायरस का मतलब एल्गी को, और एल्गी प्लांट में इंक्लूड होता है, इसलिए उसको अलग से हम नहीं लिखे हैं। तो इतने सारे लोगों को वायरस अकेले जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो एनिमल के लिए भी, यानी वायरस एनिमल में भी डिजीज कॉज करता है, प्लांट में भी, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है वायरस, फंगाई को भी इन्फेक्ट करता है, और साथ ही साथ माइको प्लाज्मा को भी इन्फेक्ट करता है। अब एक चीज समझो, यहां पर हम लोग ये तो एक मोटा मोटी डेफिनेशन देखे ही कि यह क्या है। तो वायरस जो है एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजेनिक पैरासाइट है, और वायरस जो होता है एक्चुअली में काफी छोटे साइज का होता है,
यानी इसका साइज जो है वो लगभग नैनोमीटर में रहता है, कोई वायरस 20 नैनोमीटर का तो कोई वायरस 400 नैनोमीटर का, तो वो नैनोमीटर अलग अलग टाइप के वायरस जो है वो अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। लेकिन ये बात समझो कि वायरस जो है वो क्या है, तो वायरस जो है वो एक इंफेक्शियस एजेंट है। वायरस इज ए स्मॉल इंफेक्शियस ए सेलुलर, ये टर्म को समझना होगा, इंफेक्शियस ए सेलुलर एजेंट, और साथ ही साथ इट इज एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। अब ये बात को समझिए थोड़ा सा, ए सेलुलर कहने का मतलब हुआ कि यह कोई एक लिविंग सेल के जैसा इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे एक सेल होते हैं, चाहे बैक्टीरिया ही क्यों ना, बैक्टीरिया भी एक लिविंग सेल है, ठीक। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, राइबोसोम होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और बाकी उसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्म होगा, भले उसमें बाकी कोई दूसरे कंपोनेंट ना हो लेकिन इतना सारा चीज तो होगा। लेकिन इसमें जो है ए सेलुलर कंपोनेंट कहने का मतलब कि इसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, ये सब कोई चीज नहीं होगा, तो इसीलिए इसको ए सेलुलर बोलते हैं। पहला बात तो ये समझ गए कि क्यों ए सेलुलर बोले इसको। दूसरी बात तो समझे यहां पर कि सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी कहता है हमारा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर सेल कंपोनेंट। हम आप कोई भी अगर लिविंग हैं तो हम लोग किस चीज से मिलके बने हैं, तो हम लोग सेल से बने हैं। तो यहां पर ये क्या है, यह सेल से तो बना नहीं है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, तो यानी ये क्या कर रहा है, सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। हम लोग सेल थ्योरी में आते हैं लेकिन ये सेल थ्योरी में नहीं आएगा क्योंकि यह ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। और थोड़ा सा एक चीज और आपको हम डिस्कस करके बता दें कि वायरस कंप्यूटर के भी टर्म में बहुत ज्यादा यूज होता है। हम लोग लैपटॉप चलाते हैं, कुछ चलाते तो बोलते हैं कि इसमें वायरस आ गया, वो अलग वायरस है। हम लोग बात कर रहे हैं आज एक बायोलॉजिकल वायरस के रूप में। वहां पे कंप्यूटर के सिस्टम को, यानी कि कंप्यूटर के फाइल को या बाकी उसके जो लैंग्वेज है उसको करप्ट करने वाला जो फाइल होता है उसको एक टर्म दे दिया गया वायरस। तो वहां पर बायोलॉजिकल एजेंट वाला वायरस नहीं होता है, वो एक अलग वायरस एक नाम दे दिया गया है, वो नॉन लिविंग कंप्लीटली एक एजेंट ही है। लेकिन यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये बायोलॉजिकल वायरस की बात कर रहे हैं, तो डोंट बी मिक्स इट, ठीक है। तो वहां की चीजें अलग है और यहाँ की चीजें अलग है, वो आईटी सेक्टर की पार्ट है और यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी का पार्ट देख रहे हैं, तो दोनों को आप मिक्स मत करें। और यहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ इस वायरस की बात कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखें कि जो कंप्यूटर में वायरस होता है वो भी यही वायरस होता है, नहीं, वो अलग वायरस है। वायरस है ही नहीं, मतलब वो एक नाम दे दिया गया जो ऐसे फाइल को या ऐसे पार्ट को जो कंप्यूटर के पार्ट को या कंप्यूटर के लैंग्वेज को करप्ट करता है, तो उसका नाम एक दे दिया गया वायरस। और ये एक बायोलॉजिकल वायरस है जो हमारे बॉडी में डिजीज काउज करता है, तो कंप्यूटर का वायरस हमारे अंदर डिजीज नहीं काउज करेगा और हमारा वायरस जो है वो कंप्यूटर के अंदर जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये दो अलग अलग वायरस है, ठीक है। अब आइए एक चीज ये देखिए, तो इसी के वजह से, यानी वायरस जो है वो एक ए सेलुलर स्ट्रक्चर है और ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, तो इसीलिए आप ध्यान रखो कि वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जो है ना तो यह लिविंग है पूरी तरह से और ना ही यह लिविंग है, ना लिविंग ना नॉन लिविंग, क्यों ऐसा, तो यह कनेक्टिंग लिंक, यानी कुछ कैरेक्टर जो है वो लिविंग का शो करेगा और कुछ कैरेक्टर जो है वो नॉन लिविंग का शो करेगा, जिसके वजह से इसे हम लोग कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों,
इन चीजों को हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि ऐसा क्या कैरेक्टर है जिसकी वजह से इसे हम लोग नॉन लिविंग कहते हैं और ऐसा क्या कैरेक्टर है जिसकी वजह से इसको हम लोग नॉन लिविंग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखिए। तो पहले देखिए हम लोग देखते हैं नॉन लिविंग नेचर ऑफ वायरस। वायरस ऐसा क्या करता है जिसे ये नॉन लिविंग नेचर को शो करता है। तो यानी कि वायरस का नॉन लिविंग नेचर, नॉन लिविंग नेचर ऑफ वायरस। तो नॉन लिविंग नेचर की जब हम लोग बात करते हैं वायरस की, तो वायरस का नॉन लिविंग नेचर ठीक, तो सबसे पहले समझो कि वायरस जो है वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर सकता, यानी अकेले नहीं रह सकता है वो। तो वायरस कैन नॉट सस्टेन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एज ए सेल। पहला तो यह एक इंडिपेंडेंट एक सेल के जैसा इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं करेगा। सेकेंड, एब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन, जैसा आप जानते हैं कि जो भी लिविंग है उसमें रिस्पायरेशन होता है। सेकेंड, एब्सेंस ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, यानी इसमें एनर्जी स्टोर नहीं होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, एब्सेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन, यानी इंडिपेंडेंटली या ना तो ग्रोथ करता है ना ही अकेले डिवीजन कर सकता है, तो ये दोनों में से कोई काम नहीं करेगा। तो ये देखिए प्रूफ एक हुआ क्या कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग नेचर का है। अब एक प्रूफ देखिए लिविंग नेचर ऑफ वायरस, लिविंग नेचर ऑफ, तो वायरस में ऐसा क्या क्या है जिसकी वजह से इसे लिविंग में भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे आप यहां पर देखें कि नॉन लिविंग होने के लिए उसे क्या क्या कौन कौन से नेचर है, तो उसी तरह हम लोग देखेंगे कि वायरस के लिविंग होने के लिए क्या क्या प्रूफ है, तो वो सारे चीज को हम लोग एक जगह करेंगे। जैसे देखिए वायरस के अंदर प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे हमारे बॉडी के हर एक सेल में जेनेटिक मटेरियल है डीएनए आरएनए, उसी तरह वायरस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है या तो डीएनए या फिर आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल एक लिविंग सिस्टम में ही हो सकता है, सब में नहीं हो सकता है। तो जेनेटिक मटेरियल का होना इस बात को यह प्रूफ करता है कि यह एक लिविंग है। ठीक, दूसरा चीज देखो कि वायरस को हम लोग किल कर सकते हैं किससे थ्रू, तो ऑटोक्लेविंग सिस्टम से या फिर इसको यूवी रेस से। अब किल कर सकते हैं, किल किसको कर सकते हैं, यानी कि जो मार किसको सकते हैं, जो जिंदा है। एक नॉन लिविंग पार्ट को किल करने की जरूरत क्या है, किसी नॉन लिविंग पार्ट पे यूवी रे अगर डालते भी है तो क्या दिक्कत है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वायरस को हम लोग यूवी रे से उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। हालांकि वायरस किल नहीं होता है, ये टर्म नहीं यूज होना चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वायरस को हम मार नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। बट यहां पे भी समझिए कि यानी उसको यूवी रे से मार रहे हैं, यानी उसको इनएक्टिव कर रहे हैं। तो वायरस कैन बी किल्ड बाय ऑटोक्लेव और यूवी रे। तो किल करने का मतलब क्या हुआ कि किल किसको कर सकते हैं, यानी जो
लिविंग नेचर शो कर रहा है, हम लोग उसको किल कर सकते हैं। जो लिविंग नेचर ही नहीं है हम उसको कहां से किल कर सकते हैं। साथ ही साथ वायरस एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, यानी एक से दो वायरस, दो से चार, चार से आठ, बहुत सारे वायरस का बनना। कभी ऐसा होता है कि एक फैन से दो फैन, दो से चार फैन बन जाए, एक मर्सिडीज से दो मर्सिडीज, दो से चार मर्सिडीज हो जाए। एक मर्सिडीज अपने रिलेटिव को गिफ्ट कर देते कि आज हमारे यहाँ एक मर्सिडीज का बच्चा हुआ है, आज हमारे यहाँ बीएमडब्ल्यू का बच्चा हुआ है। ऐसा कभी नहीं होता है, क्यों? तो उसी तरह तो एबिलिटी टू मल्टीप्लाई यानी एक से दो, दो से चार वायरस बनने का मतलब है कि यह लिविंग नेचर को शो कराता है। तो एबिलिटी टू मल्टीप्लाई इन होस्ट सेल, तो किसके अंदर? एक होस्ट सेल के अंदर ही यह मल्टीप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ यह क्या करेगा? म्यूटेशन को शो करेगा। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन जेनेटिक लेवल पे जो उसके सीक्वेंस में जो चेंजेज आता है उसको कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से ही हमारे पूर्वज किसी अलग तरह के थे और आज हम अलग तरह के हैं। आने वाले समय में हो सकता है आज से 10,000 साल बाद जो आने वाला हमारा जनरेशन है उसका कुछ और बॉडी में कुछ चेंजेज आ जाए। तो क्यों? ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंज होने की वजह से हमारे बॉडी के सेल में म्यूटेशन, यानी कि हमारे डीएनए में स्लो स्लो म्यूटेशन हो रहा है, तो उसको कहते हैं, यानी कि जेनेटिक लेवल पे जो चेंजेज आता है स्लोली उसको म्यूटेशन। तो वायरस भी क्या करता है? वायरस भी जो है वह म्यूटेशन को शो करता है। तो इसीलिए इसको हम लोग किसमें रख सकते हैं? तो इसको हम लोग म्यूटेशन में, ये मतलब लिविंग में इसको हम लोग रख सकते हैं। साथ ही साथ वायरस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस डिजीज। जैसे आप देखो वायरस में बहुत सारे डिजीज होते हैं, मम्स, कॉमन कोल्ड, एचआईवी, हेपेटाइटिस इटीसी। तो कोई डिजीज कब काउज करेगा हमारे बॉडी में? जब वो खुद लिविंग है, यानी उसमें कुछ ऐसा सिस्टम है जिसके वजह से वो हमारे बॉडी में आके हमें डिजीज कर रहा है। तो इसीलिए यानी कि हमारे बॉडी में आके वो डिजीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एक लिविंग नेचर को भी दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे, ये जो बात हुई वह हुआ नॉन लिविंग नेचर के फेवर का, और ये सब जो बातें हुई ये सब बात हुई लिविंग नेचर के फेवर का। तो इसीलिए कहते हैं कि वायरस जो है वह दोनों चीज को शो कर रहा है, लिविंग नेचर को भी और नॉन लिविंग नेचर को भी। अब एक स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग थोड़ा वायरस को देखेंगे। तो वायरस के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस के स्ट्रक्चर में क्या है, ठीक है। वायरस के स्ट्रक्चर में यानी बॉडी में क्या क्या रहता है? तो सबसे पहले एक इनवेलप, वायरस में क्या होगा? एक इनवेलप। इनवेलप क्या है? तो इनवेलप एक एक्स्ट्रा लाइकोप्रोटीन का बना हुआ कवरिंग लेयर है जो कुछ वायरस में होता है। आउटर कवरिंग प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव लेयर ऑन कैप्सिड इन सम वायरस। कुछ वायरस में, सभी में नहीं, कुछ वायरस में कैप्सिड के ऊपर, जैसे एग्जाम्पल के रूप में एचआईवी का वायरस हो गया और इन्फ्लुएंजा का वायरस हो गया,
तो उसके ऊपर अगर वायरस है तो उस वायरस के जो आउटर कवरिंग पार्ट है जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं, उस कैप्सिड के ऊपर में एक लाइकोप्रोटीन का एक लेयर होता है और ये बना होता है मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होता है वह वायरस का होगा और लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। तो लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट ये जो होता है वह होस्ट सेल से लेता है यह, ठीक है ना। तो ये एनवेलप हो गया। एनवेलप के बाद में देखिए कैप्सिड, कैप्सिड आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग पार्ट टू कवर न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल और ये कैसा होगा तो इट इज प्रोटीनेसियस, यानी यह कैसा होगा तो यह प्रोटीन का बना होगा, प्रोटीनेसियस होगा, ठीक है। तो इनवेलप, इनवेलप के बाद में कैप्सिड और उसके बाद में एक ये हो गया फिर इसका न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड यानी इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल जैसे हमारे सेल में डीएनए आरएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, उसी तरह इसके सेल में भी क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल वायरस में दो तरह के होते हैं, ठीक है, यानी कौन कौन, या तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए होता है। डीएनए के भी दो टाइप होते हैं वायरस में, हमारे बॉडी में हमेशा जेनेटिक मटेरियल, जितने भी प्लांट और एनिमल है सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इवन बैक्टीरिया में भी, और हमारे ये वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए भी होता है कुछ वायरस में और कुछ वायरस में आरएनए भी होता है, दोनों अलग अलग, सभी वायरस में डीएनए नहीं हो सकता, सभी वायरस में आरएनए नहीं हो सकता है, या ऐसा भी नहीं है कि एक ही तरह के वायरस में कभी डीएनए या कभी आरएनए, नहीं, यानी कुछ टाइप ऑफ वायरस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा या कुछ टाइप के वायरस में आरएनए या जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। तो जो डीएनए वाले वायरस होते हैं उसको डीएनए वायरस, जो आरएनए वाले वायरस होते हैं उसको आरएनए वायरस, ठीक है। और इसमें भी ये दो अलग अलग तरह के हम लोग देखते हैं, जैसे डीएनए में दो तरह के डीएनए वायरस होते हैं, एक होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी शॉर्ट में डीएस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, ठीक। तो दूसरा होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। उसी तरह आरएनए में भी दो तरह के, आरएनए का भी क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और एक क्या हो जाएगा, स्पेस कम है इसको ऊपर हम नोट डाउन करते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, चलिए हम यहां पर पूरा का पूरा इस चीज को
फ्रेज से लिखते हैं, ठीक है ना। तो डीएनए वायरस और डीएनए वायरस में दो हम क्या बोले, एक डबल स्ट्रैंडेड, डी फॉर डबल, एस फॉर स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। दूसरा क्या बोले हम, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। उसी तरह आरएनए का भी वायरस होगा, और आरएनए में भी दो तरह के वायरस, एक होगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और दूसरा क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ठीक है। तो ये जो एग्जाम, अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस के और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस के अलग अलग एग्जाम्पल है। जैसे डबल स्ट्रैंडेड का कॉक्स वायरस, कॉलीफ्लावर वायरस, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे, ये नाम है वायरस का, कॉक्स वायरस, कॉलीफ्लावर वायरस। उसी तरह सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस के एग्जाम्पल होंगे, ये फाइव, एक ही दो हैं, एक एम फाज वायरस होता है और 5174 वायरस होता है। तो ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा, इस तरह से 5174 वायरस, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कंफ्यूज करने के लिए बार बार पूछ देता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस के एग्जांपल, जनरली आपको यही याद रखना है। और एक M13 फाज होता है, ये 13 है बी नहीं, M13 फाज, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, 5174 वायरस, ठीक है ना, क्योंकि यह सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड के ज्यादा एग्जांपल नहीं है, और इसी में कंफ्यूज करता है क्योंकि वह एनसीईआरटी में भी आपको दे रखा है। उसी तरह हम लोग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस देखेंगे, ठीक है, और डबल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस को देखेंगे। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस रियो वायरस होता है, वुंड ट्यूमर वायरस होता है, वायरस होता है, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस ये इन्फ्लुएंजा वायरस, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक, ठीक है, और कॉमन कोल्ड, ठीक है। तो ये सब जो वायरस हैं वो सब आपको, टीएमवी है ये हो गया, और रेट्रो वायरस भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, रेट्रो वायरस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वायरस हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के हैं। हम लोग लास्ट में कुछ एग्जांपल देखेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड से होने वाले डिजीज के नाम और वायरस का, और डबल स्ट्रैंडेड से होने वाले डिजीज और रिलेटेड डिजीज और उस वायरस के नाम को, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप पहले इतना बस ध्यान में रख के चल चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में यानी कि ये जो इस तरह से हुआ, तो कैप्सिड, और यहाँ पर कैप्सिड जो है तो हम लोग न्यूक्लिक एसिड को भी देख लिए, और एक होता है कैप्सोमियर, हम लोग अभी इसमें हैं, इनवेला पैक हुआ स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में, कैप्सिड दो हुआ, न्यूक्लियोइड तीन हुआ, और ये फोर्थ हुआ कैप्सोमियर। तो कैप्सिड जिस चीज से बना होता है वह होता है कैप्सोमियर। अभी हम क्या पढ़े थे, क्या बोले कि कैप्सिड किससे बना है, प्रोटीन से। तो प्रोटीन नेचर वाले यानी, लेकिन वो बना हुआ किस रिपीटेटिंग यूनिट से है, तो वह कैप्सोमियर रिपीटेटिंग यूनिट से बना है। और कैप्सोमियर अगर पूछा जाए किससे बना है, तो कैप्सोमियर फिर प्रोटीन से बना है। तो कैप्सोमियर इज द सब यूनिट ऑफ कैप्सिड, इट इज
सब यूनिट ऑफ कैप्सिड। तो ये कैप्सिड का सब यूनिट है। इतने सारे ये सारे चीजों को हम लोग देख लिए। अब इसके थोड़े साइज की हम लोग बात करेंगे कि वायरस का जो है वह साइज जो है वह क्या होता है या शेप जो है वह कैसा होता है। ठीक है, शेप जो है या साइज की अगर हम लोग बात करते हैं, अभी हम बताए थे कुछ वायरस का शेप 20 नैनोमीटर का, कुछ का जो है वह शेप जो होगा वह 450 नैनोमीटर तक का होगा। तो अगर इसके हम लोग साइज की बात करें तो जैसे पॉक्स वायरस, यानी कि अलग अलग शेप एंड साइज के रहते हैं सभी वायरस। कुछ एग्जांपल जैसे यह 450 नैनोमीटर का, ठीक है, कुछ वायरस जो होंगे वह 20 नैनोमीटर का। डबल स्ट्रैंडेड, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वह 270,000 का क्या होगा, डीएनए के यूनिट होंगे। तो उसको डीएनए यूनिट। तो और जबकि कुछ में सेल्स जो होंगे वह लगभग 5,000 ही न्यूक्लियोइड के, यानी कि उसके जो होंगे वह सब यूनिट रहेंगे। तो सिंगल स्ट्रैंडेड में आप कह सकते हैं क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड में लगभग 5,000 ही डीएनए के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से अलग अलग शेप ये साइज का होता है। अगर हम लोग इसके शेप की बात करें कि वायरस का शेप जो है वह किस तरह का होगा, ठीक है, तो शेप जो है या रॉड शेप का, स्फेरिकल स्फेरिकल रॉड शेप, फिर या बुलेट शेप का हो सकता है या टोड शेप। ये इतने सारे शेप का यह हो सकता है। ठीक है, तो स्फेरिकल, रॉड शेप, बुलेट शेप या टोड शेप और भी अलग अलग, लेकिन बट इतना एक जनरल जो है वह इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हाँ इसके ये शेप है। जैसे स्फेरिकल शेप का एग्जांपल एडिनो वायरस है, रॉड शेप का एग्जांपल टीएमबी है। तो आप टीएमबी का भी हम शेप स्ट्रक्चर भी बना के देखेंगे। ठीक है, तो इसके रॉड शेप का टीएमबी और ये स्फेरिकल शेप, तो अलग अलग जो है वो वायरस के एडिनो वायरस, तो अलग अलग ये जो है इसके शेप होते हैं। उसके बाद देखो अब आप वायरस, तो अभी आपको यहां बहुत कम पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं जानना है क्योंकि ये एक लिमिटेशन है इसके सिलेबस का, एक छोटा सा पार्ट है आपके चैप्टर का, बहुत छोटा पार्ट है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही एक बहुत छोटा सा ये पार्ट है वायरस। आपको जब आप किसी हायर एजुकेशन में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको वायरस बहुत डिटेल पढ़ना है, और खास करके एमबीबीएस भी अगर आप करते हैं तो वहां पे तो बहुत अच्छे से आपको ये जानना है, क्योंकि बहुत सारे डिजीज इससे होने वाले हैं और आपको उसी डिजीज के बारे में जानना है, उससे होने वाले एजेंट, उसके नेचर, कि कौन कौन से ड्रग से वो ठीक हो सकता है, क्या क्या चलाया जा सकता है, पेशेंट क्या क्या कंडीशन होने चाहिए। तो इसी से रिलेटेड आपको ये सारे बात जो है उसमें आपको वहां पर चलेगा। ठीक है, अब देखिए वायरस अपना ग्रोथ कैसे करता है। ठीक है, तो वायरस जबकि वायरल एंजाइम, ठीक है, वायरल एंजाइम, वायरस में एंजाइम है कि नहीं है, है वायरस के अंदर एंजाइम है, तभी तो वो किसी सेल के अंदर जाकर के अपना ग्रोथ करता है। तो कैसे, तो वायरल एंजाइम में देखिए एक इसमें होता है आरएनए, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए डिपेंडेंट ये एंजाइम का नाम है। एंजाइम हमारे बॉडी के हर एक सेल में होना जरूरी है। एंजाइम आपको बायोमोलिक्यूल्स में, मैं आपको पूरा डिटेल पढ़ाने वाला हूं कि एंजाइम होता क्या है, बट इसी तरह समझो कि जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे बॉडी में चलता है
उस बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए ये एंजाइम का होना बहुत जरूरी है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में यही तो अंतर है एक केमिकल रिएक्शन में और एक बायोलॉजिकल रिएक्शन में, तो उसको बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए या बायोकेमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कोई ना कोई एंजाइम होते हैं। तो जैसे वायरस जो है जब किसी एक सेल के अंदर जाएगा तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को कैसे जोड़ देगा होस्ट सेल के साथ, ठीक है, तो उसको जोड़ने के लिए कोई ना कोई एंजाइम चाहिए, सिंथेसाइज करने के लिए एंजाइम चाहिए। तो उसी तरह से यहां पर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम का नाम है जो आरएनए से डीएनए बनाता है, और दूसरा आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ये इस तरह के एंजाइम जो है वो वायरस के बॉडी के अंदर मिलते हैं। अब इसका एक साइकिल या फेज के बारे में समझिए कि एक वायरस जो है वह किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे इन्फेक्ट करके अपने नंबर को कैसे बढ़ाता है। आसानी से समझने के लिए हम लोग एक बैक्टीरियोफाज के एग्जांपल को लेके चलेंगे। बैक्टीरियोफाज कहने का मतलब ऐसा वायरस कि जो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो आज हम लोग उसका एग्जांपल लेके चलेंगे कि कैसे कोई एक वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ओके, मैं एक मिनट जरा लाइट को ऑन कर लूं। तो इस तरह से तो ये देखिए कि जो वायरस है वो कैसे किसी पार्ट को इन्फेक्ट करता है। चलिए देखिए, तो यहां पर लाइफ साइकिल ऑफ वायरस, लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। अब सिंपल सा एग्जांपल देखो कि जैसे यह एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, यह बैक्टीरिया का सेल है, यह उसका जेनेटिक मटेरियल है। इस बैक्टीरिया के अंदर यह इस तरह से उसका राइबोसोम हो गया, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यह उसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, और यहां पर एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इस वायरस की, ठीक है। अब ये वायरस जो है वो इन्फेक्ट करेगा किसको, इस बैक्टीरिया को। दिस इज बैक्टीरिया एंड दिस इज वायरस, ठीक। अब दोनों के बीच में इन्फेक्शन अगर करने हैं तो क्या करेगा, यह ये हो गया आपका एक बैक्टीरिया और ये हो गया बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है इसका, यह डीएनए है, ठीक है। अब यहां पर ये जो वायरस इन्फेक्ट करेगा और ये वायरस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल हो गया, मान लीजिए डीएनए आरएनए कुछ भी है। अब ये क्या करेगा कि पूरे बॉडी को इस बैक्टीरिया के अंदर नहीं लाएगा, ये यहां पर क्या करेगा, सिर्फ अपने जेनेटिक मटेरियल को इस वायरस के अंदर एंट्री करवाएगा, ठीक। अब ये देखिए यहां पर ये इसका अपना जेनेटिक मटेरियल हो गया बैक्टीरिया का, और ये इसका जो प्रोटीन का ये पार्ट यानी कैप्सिड ये बाहर रह जाएगा। ये प्रोटीन का पार्ट जो अभी हम लोग कैप्सिड के रूप में पढ़े थे ये बाहर का बाहर ही रह जाएगा, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो इससे बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा। आ गया, दिस इज वायरल जेनेटिक मटेरियल एंड दिस इज बैक्टीरियल जेनेटिक
मटेरियल, ठीक है। अब ये दोनों जेनेटिक मटेरियल आपस में मिक्स कर जाएंगे, यानी कि बैक्टीरिया का और वायरस का दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो जाएगा। मिक्स करने का मतलब वायरस का जेनेटिक मटेरियल जानबूझ के वो क्या करेगा, बैक्टीरिया के साथ जोड़ देगा, तभी तो उसको फायदा होगा। अब ये यहां पर ये हो गया बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल और उसी के साथ ये मिक्स हो गया, दोनों जेनेटिक मटेरियल आपस में जुट गए। तो वायरल जेनेटिक मटेरियल ज्वाइंट विथ बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, दोनों के साथ जुट गया। अब जब जुट गया तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल वो क्या करता है, डिवाइड करता है। तो जितना बार मतलब ये बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड करता है।